तो आज है दोस्तों महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के शुभ दिन में ये बन रहा है हमारा न्यू व्लॉग, जिसमें आपको आज बहुत सारी चीज़ें मैं दिखाने वाली हूँ। और सबसे खास है कलश यात्रा। तो कलश यात्रा कैसे होती है, क्यों होती है, ये मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो चलिए तो दोस्तों कलश यात्रा के लिए अपनी संस्कृति धरोहर को साथ में रखते हुए हम 16 श्रृंगार करके भजन कीर्तन कर रहे थे, और इसी के थोड़ी देर बाद हम लोग निकलने वाले थे कलश यात्रा के लिए। तो ये जितनी भी महिलाएं दोस्तों आपको दिख रही हैं, ये अभी हम लोग सब लोग महिलाएं ट्रैक्टर में जाने वाली, क्योंकि महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी तो ट्रैक्टर भी 3 से 4 ट्रैक्टर गए थे, जिसमें सभी महिलाएं बैठ बैठ के जा रही थी। और सभी के हाथों में कलश थे आम के पत्तों के साथ, और सभी लोग थोड़ा सा जल लेकर यहाँ से जाएंगे और शारदा नदी में इसको चढ़ाकर वहाँ से जल भर के लाएंगे और फिर शिवलिंग में चढ़ाएंगे दोस्तों। तो ये कलश यात्रा सबसे पुण्य यात्रा मानी जाती है। तो आगे हम लोग भजन गाते गाते भी जा रहे थे, नारे लगाते लगाते जा रहे थे। तो वो कौन से नारे थे और कौन से भजन थे? तो हमारे भूम्या मंदिर में आज पहली बार कलश यात्रा ये निकली थी, जिसमें हम लोगों ने भी भाग लिया था और सभी महिलाओं ने भाग लिया था। आप देख सकते हैं पीछे कितने ज़्यादा लोग हैं, सभी ने अपनी रंगीली पोशाक को लेते हुए कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। हाँ, और हम लोगों ने कलश भी साथ में ले रखा था, किसी के छोटे कलश थे, किसी के बड़े थे, लेकिन सब ने जल भर कर लेके जा रहे थे। तो बस नारे लगाते लगाते जा रहे थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब व्रत भी था तो मतलब बहुत मज़ा आ रहा था और सभी लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। तक्ष ट्रॉली में तो नहीं आया, लेकिन अपने पापा के साथ ज़रूर आ गया था। थोड़ी देर बाद तक्ष हमें मिल गया था और देख सकते हैं सबको हाई भी कर रहे हैं। तक्ष इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। तो यहाँ से हो गई हमारी पैदल यात्रा शुरू। हमें ट्रैक्टर ने पहले ही थोड़ा आगे छोड़ दिया था। अब यहाँ से हम लोग खुद जाएंगे सर पे अपना कलश लेकर, क्योंकि इसमें सबने पानी भर कर लाए हैं अपने घर से। ये हम शारदा नदी में प्रवाहित करेंगे और उसके बाद शारदा नदी से जो जल हम लोग एकत्र करेंगे उसे हम लोग शिवलिंग में चढ़ाने वाले हैं। तो बस सभी लोग महिलाएं इसी नियम को निभा रही थी और कर रहे थे। आप देख सकते हैं जनसंख्या कितनी ज़्यादा है। तो तक्ष को लेकर मैं आगे बढ़ रही हूँ दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से नदी को पूजते हैं, पहले जो भी फूल वगैरह हम लोग लेके आते हैं, फूल चावल, इस नदी को पूज कर जो हम जल घर से लेकर आते हैं उस जल को हम यहाँ पर चढ़ाएंगे इस तरह से, और उसके बाद यहाँ से शारदा नदी का जल लेकर शिवलिंग में चढ़ाते हैं दोस्तों। तक्ष को यहाँ अकेला बिठाने का कारण ये था कि आगे पत्थरों में बहुत ज़्यादा फिसलन थी तो तक्ष को लग सकती थी। तो तक्ष को मैंने यहीं बैठने के लिए कहा था, तो वहाँ से मैं बड़ी मुश्किल से आई और तक्ष को भी बस यहाँ से उठा के मैं किनारे लेके गई। तो दोस्तों ये जो भी जल महिलाएं शारदा नदी से लेकर आई थी, तो ये जल शिवलिंग तक चढ़ाने के लिए ले जा रही हैं। और इस कलश यात्रा को बहुत पवित्र शुद्ध माना जाता है। ये शिवजी जी के शिवरात्रि के शुभ अवसर पर ये कलश यात्रा की जाती है। ये हमारी पहले बार का एक्सपीरियंस था जो कि बहुत अच्छा था, और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा और आगे आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखने वाली हैं दोस्तों। तो बने रहिएगा मेरे साथ। Oh, yeah.
तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा छोटा सा तक्ष इतनी बड़ी रैली में अकेले बम बम बोले के नारे लगाते हुए जितना पैदल हम लोग चल रहे हैं दोस्तों, उतना ही पैदल वो भी चल के आएगा। और आपको देखने को मिलेगा कि वो बिल्कुल बिना थके बिना रुके बम बम बोले का भक्त, शिव जी जी का भक्त आगे नारे लगाते हुए जाएगा। तो इष्ट देव की कृपा से हमारी पैदल कलश यात्रा हो गई थी सफल और हम लोग फाइनली पहुंच गए थे मंदिर, अपने भूम्या मंदिर में। और वहां पर हमने चढ़ाया शिवलिंग में जल और उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए प्रसाद खाने के बाद। आज का व्लॉग दोस्तों कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी शिवरात्रि टू